नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता राम गोविंद को धोखाधड़ी के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने डरबन के एक उद्योगपति SR महाराज के साथ 62 लाख रैंड की धोखाधड़ी का आरोप था। महाराज ने उन्हें भारत से आ रहे लिनन के 3 कंटेनरों के आयात और कस्टम शुल्क के भुगतान के लिए 62 लाख रुपए अदा किए, लेकिन बाद में पता चला कि यह सब फर्जी था और कंटेनरों कोई खेप नहीं थी। आशीष लता जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और स्वर्गीय मेवा राम गोविंद की संतान है। आशीष लता राम गोविंद के खिलाफ इस मामले की सुनवाई साल 2015 में शुरू हुई थी। तब वहाँ के अभियोजक ब्रिगेडियर हंगवानी मुलोदजी ने कोर्ट में बताया कि लता ने फर्जी दस्तावेज और चालान तैयार किए ताकि निवेशकों को यकीन हो सके कि भारत से लिनन के 3 कंटेनर आ रहे हैं। हालांकि उस समय लता को 50,000 रैंड की जमानत राशि पर रिहा कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि लता राम गोविंद ने न्यू अफ्रीका एलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के निदेशक महाराज से साल 2015 में मुलाकात की। महाराज की कंपनी कपड़े जूते चप्पलों का आयात निर्माण और बिक्री करती है। उनकी कंपनी अन्य कंपनियों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराती है। लता राम गोविंद ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत से दक्षिण अफ्रीकन हॉस्पिटल केयर ग्रुप नेट केयर के लिए 3 लिनन कंटेनर मंगवाए हैं। महाराज ने लता राम गोविंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि और दस्तावेज के आधार पर उन पर भरोसा कर लिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें ठग लिया गया है तो उन्होंने लता पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।